साथियों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एजुकेशन हिंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 101 सबसे महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सुनील छेत्री, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्वेता सिंह। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, श्वेता सिंह को PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा UU ललित, ऑप्शन नंबर ए, UU ललित। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे पाँचवा क्वेश्चन, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य वालवेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठा, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य में पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, DSP? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा असम। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। आगे चलते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल SP नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर की एडिशनल SP नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला स्वर्ण पदक इंडिया के लिए जीता था। आगे चलते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सीनी सेट्टी, ऑप्शन नंबर बी, सीनी सेट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन हो गया, ये नौवां है। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनी हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दसवां, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बना है? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बना है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी प्रणव, ऑप्शन नंबर बी, बी प्रणव। ये चेन्नई के रहने वाले हैं और ये 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह है दोस्तों, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 12वां, हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RN भास्कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13वां, हाल ही में किसे UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुचिका कंबोज को UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14वां, जो कि है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा
विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को पता होगा अश्विनी वैष्णव कौन है, बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ बना है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? दोस्तों ये मैंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम की पूरी एक वीडियो बनाई है, उसमें भी ये टॉपिक कवर किया है मैंने, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे ढंग से मैंने उसको समझाया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, सुधीर जो है कि पहले पावर लिफ्टर बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 18वां, हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको और कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कनाडा। कनाडा ही जो है कि अमेरिका और मैक्सिको के साथ संयुक्त रूप से 2026 की मेजबानी करेगा फीफा वर्ल्ड कप की। अब ये दोस्तों है 18वां क्वेश्चन, 18वां नहीं एक्चुअली है ये 19वां, मिसप्रिंट है, आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कब से शुरू हो गई है? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कब से शुरू हो गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों, 13 अगस्त 2022 से राजस्थान में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान किसने शुरू की है? देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, गूगल। गूगल ने जो है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21वां, पत्र सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रकाश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22वां, ये भी मिसप्रिंट है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन है ये, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 23वां क्वेश्चन जो है कि दोस्तों है, आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 27 की थीम क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाइफ, ऑप्शन नंबर सी, लाइफ। आगे देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, चिराग योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा की सरकार के द्वारा जो है कि चिराग योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सुरेश एन पटेल ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है आपका, एक मिनट,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन रिलिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा ने जो है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 29। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? जो है कि इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, 30वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिलों का गठन किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है बहुत सारे एग्जामों में, तो इसको देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिले का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिलों का गठन किया है। HPCL भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी जो है कि HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32वां, किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, नई दिल्ली। आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 33वां क्वेश्चन रहा, हाल ही में किसने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर होगा एम्बर ब्रेकन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35वां, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 36वां, हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा ज़रूर से, और इसका आंसर होगा पुनीत राजकुमार। ये जो है कि कन्नड़ एक्टर थे और इनको मरणोपरांत जो है कि कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 37वां क्वेश्चन, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। आगे देखते हैं 48वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सोवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 38 को, 38वें का आंसर जो है कि होगा जो है कि फ्रांस, फ्रांस फ्रांस ने सम्मानित किया है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर कलाई सेल्वी, डॉक्टर कलाई सेल्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40वां क्वेश्चन, हाल ही में SAAFF चैम्पियनशिप 2022 का खिताब सैफ, इसको बोलते हैं SAAFF चैम्पियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत ने, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो है कि 41वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी, पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 10 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और इसकी स्थापना यूपीएससी की 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो इस लिहाज से ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन 44वां, लीजेंड क्रिकेट लीग ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लीजेंड्स क्रिकेट लीग ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर धृति बैनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक जो है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। 47वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सियोमारा कास्त्रो, ऑप्शन नंबर सी की सियोमारा कास्त्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? साउथ कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चो सन हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। तंजानिया की राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50वां, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका दोस्तों आंसर होगा सोफी डिवाइन, ऑप्शन नंबर ए सोफी डिवाइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया है? केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीएम पोषण योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल कर क्या हो गया है? विदेश सेवा संस्थान का नाम बदल कर क्या हो गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला फ्लोर केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद में जो है कि स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे किया है? तो ऑप्शन होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 56वें क्वेश्चन में देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने स्टोर पर विश्वसनीय और सुविधाजनक भुगतान ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट स्पीकर को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत पे ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 58वां क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
भारत के नए सीजीए कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोनाली सिंह को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 49वां क्वेश्चन है, नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो 49वें क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 60वां क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में रामसर स्थलों की कुल सूची में कुल 11 आर्द्रभूमि जुड़ने से इसकी कुल संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 75 हो गई है। आगे देखते हैं 61वां क्वेश्चन, भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 62, हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों टाटा ने। आगे देखते हैं 63वां क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 64वां, सितंबर 2022 में किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन या CO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, RKT वोरकोविच। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी। 68वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021-22 का पुरस्कार जीता है? अगेन दोस्तों सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान। 69वां क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70वां, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजीत सिंह को। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन PM नरेंद्र मोदी ने किया, इस बुक के लेखक कौन हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, राम बहादुर राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीमाबेन आचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। 75वां क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया? इसका अभी पीछे भी हम लोगों ने किया है, रिपीट हो गया है सॉरी। तो सही आंसर इसका होगा सुषमा स्वराज भवन। आगे देखते हैं, WHO ने कोरोना से भारत में 47.4 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया है, यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ा से कितना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लगभग 10 गुना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78वां क्वेश्चन,
हाल ही में किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला एकल स्क्वैश पदक दिलाया है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको ज़रूर देखिएगा, और राष्ट्रमंडल खेल से लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने उसमें कवर किए हैं, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सौरभ घोषाल जी ने जो है कि जीता है। 79वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है कि पूछा जाएगा, ज़रूर से पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? दोस्तों इससे पहले जो है कि कभी भी भारत ने कोई पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता नहीं था, तो ये ऐतिहासिक होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तेजस्विन शंकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 81वां, छुआछूत को मिटाने के लिए किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 82वां, 3 जुलाई 2022 में 5 भारतीय वेट लैंड साइटों को रामसर साइटों में शामिल किया गया, तो उसके बाद कुल कितने रामसर स्थल हो गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 54। 83वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है, वो कौन सी डेट को मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 84वां, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन श्रृंगला को। आगे देखते हैं 85वां, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इजराइल में। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है? ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा नीतीश कुमार, आप सबको पता ही होगा। और इसके बाद 88वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 किसे घोषित किया गया है? ये जो है कि प्रभात जयसूर्या, हार्दिक पांड्या, जो रूट, शिखर धवन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रभात जयसूर्या को। 89th क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधक निदेशक MD जो है कि जिसको बोलते हैं, कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकास कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पहले कैंपेन गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कैंपेन गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, प्रकाश पादुकोण, SM कृष्णा, NR मूर्ति, इन तीनों लोगों को जो है कि सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का उड़िया संस्करण किसने जारी किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से COVID-19 के कारण कितनी संभावित मौतें हुई थी?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4.7 मिलियन। रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जून 2022, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 95वां क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 29 मई 2021 को। अगला क्वेश्चन, सुनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 अप्रैल 2022 को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो ऑप्शन है इसके दोस्तों 6 सितंबर 2014, 17 मार्च 2021। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 17 मार्च 2021, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर 2021। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 17 मार्च 2021, ऑप्शन नंबर बी। और आज के लास्ट वीडियो की तरफ, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12 नवंबर 2020। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिंट को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।